हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का बच्चे सबसे स्पेशल टॉपिक, जिसका नेम है ओड वन आउट। ओड वन आउट को हिंदी में कहा जाता है असमान छांटना। बच्चे, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के पेपर हैं, चाहे वो आपको SSC है, HSSC है, KVS है, DSSB है, FCI है, जितने भी पेपर्स हैं बच्चे, ओड वन आउट से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बताना। जितने भी पेपर हैं सभी में ओड वन आउट से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। हाईएस्ट रेंज में HSSC में पूछा जाता है, SSC में, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्स हैं ओड वन आउट मस्ट है। और साथ में ओड वन आउट की एक और स्पेशलिटी है बच्चे, कि आपको इस चैप्टर के लिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो अपनी GK GS करंट अफेयर्स को भी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, ये GK GS करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है। क्योंकि इसमें आपसे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि हिस्ट्री से अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, ठीक है, तीन में किसी के भी पिता लिखे होंगे मान लो, ठीक है, अकबर बीरबल जिसके भी है पिता लिखे होंगे तीन के, एक में किसी का पुत्र लिखा होगा, तो आपको पहचानना है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीन पिता हैं और एक पुत्र है, तो इसका मतलब तीन एक समान हो गए और एक पुत्र हो गया, जो आपका ओड वन आउट हो गया, तीन से सबसे अलग, उस ग्रुप से अलग, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ओड वन आउट क्या है, असमान छांटना। जैसा कि चैप्टर के नेम से पता चल रहा है, ओड वन आउट मतलब एक चीज विषम है, ओड है, उसको वन आउट करना है, उस एक चीज को निकाल देना है, आउट कर देना है, ओके। असमान छांटना मतलब बाकी सारे समान है, उस असमान को आपने छांटना है, ओके। बच्चे, लाइन तो कुछ भी लिखी हुई आ सकती है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 होते हैं, ठीक है। मैं आपको करवाने जा रही हूं, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 49, सी इज 121, सॉरी 3 एंड फोर्थ इज 167। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आपने ये बताना है कि इसमें आपका ओड वन आउट क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, आपको देखने से पता चल रहा होगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर आप बच्चों ने स्क्वेयर्स क्यूब्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है, जो 120 है वन है वो 11 का स्क्वायर है। स्क्वेयर्स तो आप जानते ही हैं कि 5 को दो बार गुना करेंगे तो 25, 7 को दो बार तो 49, 11 को दो बार तो 121। ये बताओ कि 167 किसी का स्क्वायर है? नहीं। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन एक समान है, सबके स्क्वेयर्स बन रहे हैं, एक्सेप्ट इट, सिर्फ यही है जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा, इसका कोई भी स्क्वायर नहीं है, नो स्क्वायर, ओके। तो 3s आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड 1 इज डिफरेंट, ओके, दैट्स योर ओड वन आउट, ओके। आई होप यू क्लियर। चलिए नोटिस, तो इसमें क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाते हैं बच्चे। इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। देखो, वैसे तो मेन जो है वो तीन रेंज होती हैं, आपके GK GS करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं जैसा मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है। आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ABC, ठीक है, तो एक फोर्थ ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे, ठीक है, समझ गए। उसी तरीके से न्यूमेरिकल रेंज में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मैंने अभी कराया 25-49, एक ऐसा आता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, सारा कुछ सेम ही है, कि तीन एक समान है, एक सबसे डिफरेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रही हूँ जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने लिखा एंग्जाइटी, एंगर, सोरो, जॉय एंड फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स। आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, मैक्सिमम रेंज कोई भी पेपर है 5 ऑप्शन से ऊपर नहीं होती, ओके। इसका मतलब 5 ऑप्शन दिए हैं, 4 एक समान होंगे, एक सबसे डिफरेंट होगा, ओके। ग्रुप बनाते हैं, देखिए पहले मुझे ये बताइए एंग्जाइटी क्या, व्हाट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मीन्स होता है डिप्रेशन, टेंशन।
अगर आप साइकेट्रिस्ट लाइन को देखोगे तो एंग्जाइटी एक नॉर्मल मतलब एक स्टेज होती है, डिप्रेशन उससे भी बदतर स्टेज होती है जब माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, उससे पहले आती है एंग्जाइटी। ओके, तो एंग्जाइटी हो गई एक। तो एंग्जाइटी को हिंदी में कहा जाता है अवसाद, मैं बता देती हूँ, अवसाद मतलब टेंशन, ठीक है। एंगर क्या होता है, एंगर का मतलब होता है बच्चे नाराजगी, ठीक है, समझ सकते हो। सोरो का मतलब होता है दुख, जॉय का मतलब होता है खुशी, और फीलिंग्स क्या होती है, भावनाएं। अब आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट क्या है, कौन सा होगा ऑड वन आउट। देखिए, ये देखो, एंग्जाइटी क्या है, एक फीलिंग है। आपको टेंशन क्यों हुई, आपको टेंशन क्यों हुई, इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, ठीक है, कोई फीलिंग छुपी है जिस वजह से आपको टेंशन हुई, ठीक है। एंगर, आप नाराज क्यों हो, इसके पीछे कोई वजह है, कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है जिस वजह से आप नाराज हुए, यस। सोरो, आप दुखी क्यों हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई फीलिंग है जो आप दुखी हो, ठीक है। जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी, आप इतने खुश क्यों हो, क्योंकि इसके पीछे कोई वजह है, ठीक है, कोई फीलिंग छुपी है, खुश हो, ठीक है। एक है बच्चे फीलिंग्स, मुझे ये बताओ फीलिंग्स के, तो ये तो सारे टाइप है ना फीलिंग्स के, तो इसमें सबसे डिफरेंट कौन है बच्चे, ऑप्शन नंबर फिफ्थ, ये आपका ऑड वन आउट है। क्यों, क्योंकि फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स का मतलब है भावना, और ये सारे क्या है, भावनाओं के टाइप्स हैं, ऑल आर टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, सारे फीलिंग्स के टाइप्स हैं बच्चे, ठीक है। तो फीलिंग अपने आप में ही एक फीलिंग है, इसका मतलब ये सबसे डिफरेंट है, ये होगा आपका ओड वन आउट। ये भी फीलिंग, ये भी फीलिंग, ये भी फीलिंग, तो ये तो कोई फीलिंग है ही नहीं, ये तो उसका टाइटल है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन, मतलब आपका ओड वन आउट हो गया ऑप्शन नंबर फिफ्थ। अब थोड़ा सा बच्चे करते हैं क्वेश्चन को चेंज, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और आपके सामने बच्चे चार ऑप्शन दिए हैं, और आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ओड वन आउट कौन सा है, करिए सर्च, कौन सा होगा बताओ, एंग्जाइटी, एंगर, सोरो, जॉय, जॉय, ठीक है, ये होता है ओड वन आउट। देखिए, जब आपके सामने बच्चे पांच ऑप्शन थे, उसके बीच में ये तीन नेगेटिव आ रहे थे, तीन नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, एक पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन ऑल आर टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, दैट्स व्हाई फीलिंग्स इज योर आंसर, ओके। बट यहाँ पे जब आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, फीलिंग्स कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने काट दिया, इन चारों में से अगर आपको बताना पड़े तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बच्चे, इसमें से। अब ये देखिए, ये एक नेगेटिव फीलिंग है, टेंशन हुई, नेगेटिव फीलिंग, नाराजगी है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीलिंग, सोरो दुख है बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीलिंग, लेकिन जो है क्या है, पॉजिटिव फीलिंग, खुशी की फीलिंग। इसका मतलब तीन नेगेटिव एक समान हो गई और एक पॉजिटिव अलग हो गई, तो आपका आंसर क्या होगा, जॉय। लेकिन उस केस में जॉय आंसर नहीं था, बिकॉज ऑल आर क्या थी, वो सभी सभी वो फीलिंग्स के टाइप्स थे, ऑल आर टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, ओके। तो ये होता है आपका ओड वन आउट, कि तीन एक समान होते हैं या चार एक समान होते हैं, एक डिफरेंट को आपने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है बच्चे, प्लीज इसको नोटिस कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए बच्चे, तो अगर आपको हमारा ये ओड वन आउट चैप्टर कंप्लीट देखना है, तो प्लीज़ आप अचीवर्स अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा ये जितने भी चैप्टर्स हमारे रीजनिंग के वो कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।